नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनाचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1.5 साल बाद खुला जोगबनी में नेपाल बॉर्डर, अब सगे संबंधियों में मिल सकेंगे सीमाई इलाके में बसे लोग। और नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जोगबनी में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पैदल आवाजाही के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको पता चल पाएगा नेपाल बॉर्डर पर प्रवेश पर कौन से नियम बनाए गए हैं। और इस फैसले का नेपाल और भारत दोनों देशों के लोगों ने स्वागत किया। COVID-19 को लेकर भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई थी और आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। प्रतिबंध के कारण भारत नेपाल के बीच लोग इस्लामपुर और टिकुलिया बस्ती या फिर खुली सीमा ग्रामीण इलाकों में होकर चोरी छिपे एक दूसरे देश में आवाजाही कर रहे थे, जिसके कारण सीमा पर कई बार जवानों से हाथापाई और टकराव की भी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। विधि व्यवस्था का भी खतरा उत्पन्न हो चुका था। मुख्य जांच चौकी पर सख्ती के कारण सहायक चौकी से दोनों देशों के बीच अवैध कारोबार भी काफी फलने फूलने लगा था, जिसको लेकर नेपाल की ओर से यह निर्णय लिया गया और नेपाल बॉर्डर खोल दिए गए। और नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अब भारत व नेपाल बॉर्डर खोलने के कारण लोगों को परेशानी नहीं हो रही है, बॉर्डर प्रवेश करने दिया जा रहा है। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि नेपाल बॉर्डर की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।